प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको कई सारी हमारी फ्यूचर प्लानिंग भी बताएंगे और इस टॉपिक के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे। ये टॉपिक कहाँ पर काम आता है, कैसे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम लोगों को आज डिस्कशन करना है विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग आज बात करने वाले हैं मैट्रिक्स थ्योरी के ऊपर। इस टॉपिक को कई जगह पर खासकर कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं जैसे सीएसआईआर नेट होता है, आईआईटी जेम होता है या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए जो गेट का एग्जाम होता है, मतलब इंजीनियर्स के लिए जो गेट का एग्जाम होता है, उस एग्जाम में इसको लीनियर एलजेब्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बेस होता है किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक होता है ना, ये कई दूसरे टॉपिक्स को पढ़ने में भी मदद करता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। सो मैट्रिक्स थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए क्या चीज़ें पहले से आना ज़रूरी है उसके ऊपर पहले बात करूंगा और फिर इन मेन टॉपिक्स के ऊपर आ जाऊंगा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैट्रिक्स थ्योरी जो है उसको कई जगह पर लीनियर एलजेब्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? लीनियर एलजेब्रा। और लीनियर एलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना, जिसमें मैट्रिक्स थ्योरी के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। अब इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या क्या है विद्यार्थियों, हम लोग इसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आई रिपीट, व्हाट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए कई सारे मैथड्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एशोलेन होता है, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म होता है, डिटरमिनेंट मेथड होता है, डिटरमिनेंट, एंड देन इसके बाद में सिंपल रो एंड कॉलम ऑपरेशन भी होता है, रो और कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है ना, रो और कॉलम ऑपरेशंस की मदद से भी हम लोग किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करते हैं। ये हम लोग जब रैंक वाले टॉपिक पे आएंगे तब वहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि रैंक से ही जुड़ा हुआ टॉपिक होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर एलजेब्रिक इक्वेशंस ऑफ थ्री वेरिएबल प्लस मोर वेरिएबल, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी फाइंड करना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उस सिस्टम को अगर सॉल्व किया जाएगा तो जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी, ये होता है कंसिस्टेंसी। आएगी तो इनफाइनाइट आएगी, यूनिक आएगी, या फिर कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये पूरी की पूरी जो स्टडी होती है ना विद्यार्थियों, ये इस टॉपिक के अंदर की जाती है। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्यार्थियों। इसके बाद में एक अगला टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वैक्टर, आइगन वैक्टर, ठीक। सो आइगन वैल्यू, आइगन वैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। और आइगन वैल्यू और आइगन वैक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो तो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, खासकर हम लोग जब इलेक्ट्रिक, जिसे कहें कि हम लोग जब स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हैं, खास करके कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, या क्या कहते हैं जो इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उसमें एक स्पेक्ट्रम चीज वर्ड आता है जिसका रिलेशन जो है ना इन आइगन वैक्टर्स के साथ में होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत। एंड देन लास्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका मतलब, जो कि बेसिकली एक थ्योरम है, कैली
हैमिल्टन, हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट्स एप्लीकेशन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इन टॉपिक्स में क्या कहते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम और उसकी मदद से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना, ठीक है ना, ये टॉपिक है। सो विद्यार्थियों, मैट्रिक्स थ्योरी में ये चार बड़े टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन अब फिर वही चीज़ आ जाती है कि इन टॉपिक को पढ़ने के लिए जो 11th 12th में आप लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। खासकर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का माइनस कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है और डिटर्मिनेंट की क्या क्या खासियत होती हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना विद्यार्थियों, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यदि ये आप लोगों को नहीं पता है तो हमारा जो YouTube चैनल है जयपाल विश्वकर्मा, उसमें 11th 12th का पूरा कोर्स अपलोडेड है। आप चाहें तो वहाँ जाके इन चैप्टर्स को देख सकते हैं, खासकर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को। यदि आप YouTube पे नहीं देखना चाहते हैं तो जो हमारा एप्लीकेशन है, ये वीडियो लेक्चर आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है ये फ्री कोर्सेस में भी अवेलेबल है मैट्रिक्स थ्योरी वाले पार्ट में, और पेड कोर्सेस में जिन जिन कोर्सेस में ये टॉपिक होता है वहाँ पर भी अवेलेबल है। जो हमारे पेड कोर्सेस होते हैं उसमें हम लोग बच्चों को इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स भी, दूसरी चीज़ें भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, ई कंटेंट हो गया, ठीक है ना, एंड देन इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ें भी हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जबकि यूट्यूब पर हम लोग केवल वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब क्यों करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब हम लोग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हैं, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से एप्लीकेशन बनवाते हैं, तो इसके बदले में वो हमसे कुछ चार्ज करता है, और वो चार्ज अगर हम लोगों को उसे देना है तो उसके लिए हमें कुछ पेड कोर्सेस लॉन्च करने ही पड़ते हैं। तो उन कोर्सेज की मदद से एक नॉमिनल प्राइस आपसे लेकर हम लोग उसका एक बड़ा शेयर उनको दे देते हैं, बल्कि छोटा शेयर उनको दे देते हैं, और वो एक बड़े शेयर को हम लोग अपने इस पूरे के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपना पूरा का जो पूरा जो टेक्निकल टीम है जो आपके लिए बहुत सारा काम करती है उनको सैलरी के रूप में भी दे देते हैं। तो इसलिए कुछ एक नॉमिनल कॉस्ट में आप लोग तक ये कंटेंट पहुँचता है। लेकिन क्योंकि यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पे हमने सोच के रखा है कि कम से कम हम टॉपिक का वीडियो लेक्चर तो फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे, तो वो आपको मिलता रहेगा ऑलवेज हमेशा। और बाकी 11th 12th का पूरा कोर्स हमारे एप्लीकेशन जयपाल विश्वकर्मा पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, वहाँ से आप चाहो तो लेकर डाउनलोड कर सकते हो, और अपने छोटे भाई बहन जो कि 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनको पूरा का पूरा 11th 12th का मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो आप लोग उपलब्ध करा सकते हो, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये लीनियर एल्जेब्रा के मैट्रिक्स थ्योरी वाले टॉपिक में हम लोग इन चार बड़े टॉपिक के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद में हम लोग इसमें आगे बढ़ जाते हैं और वेक्टर स्पेस एंड सो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो मोटा मोटा चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, जितना हो सकेगा पहले उसको यहीं पर समझा दूंगा, कुछ चीज़ें अगर छूट जाएँ तो उसको क्या कहते हैं आप लोग 11th 12th के वीडियो से जो कि एप्लीकेशन पे भी फ्री स्कूल कोर्सेज में अवेलेबल है वहाँ जाके पढ़ सकते हो। डिटेल में पढ़ना चाहते हो डिटेल में पढ़ो, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो शॉर्ट में पढ़ो, एज यू विश, ठीक है ना। लेकिन अगर मैथ्स में आगे बढ़ना है तो अपना 11th 12th का बेसिक हमेशा मजबूत रखना। अगर 11th 12th में बेसिक कमज़ोर रह गया हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पछताने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विल पावर होना चाहिए कि मैं ये टॉपिक सीखूंगा और मैथ्स को मजबूत करूंगा। संसाधन मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं, बस विलनेस आपको दिखानी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना, दिखाइए आगे बढ़िए, ठीक, किसने रोका है आप लोगों को, क्लियर है। तो जो कुछ है सब इच्छा शक्ति के ऊपर है। सो आइए विद्यार्थियों, इसके लिए इनको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों आइए ज़रा शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और छोटा छोटा एक एक एग्जाम्पल लेके उसको समझ लेते हैं। डिटेल में मैं इसके ऊपर आपसे एक अलग ही वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करूँगा और वो इसी टॉपिक के अंतर्गत कहीं ना कहीं पर आएगा आपको, ठीक है ना। जैसे नाउ शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप लोगों को
मैट्रिक्स है ना और डिटरमिनेंट, ये दो चीजें जरूर आने चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, डिटरमिनेंट, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं कि इट्स अ जस्ट अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स, सिंपल सी बात है। ओके, यहां पर इस तरह से जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनको रो कहते हैं मैट्रिक्स की, और इस तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं उसको हम लोग एम शुरुआत में जो लिखा जाता है, और जितने उसमें कॉलम्स होते हैं उसको लिखा जाता है क्रॉस एन के द्वारा। यानी कि अगर हमने कोई मैट्रिक्स बनाया और उसमें एम क्रॉस एन लिखा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें एम रोज हैं और एन जो हैं वो कॉलम्स हैं। क्या है विद्यार्थियों? कॉलम्स है उसके अंदर, ठीक है ना। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, 3, 4, 6, -2, 0, 3, 8 एंड -10। ये हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 1, 2, 3। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। किसका हो गया विद्यार्थियों? 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या जो है वो बराबर होती है उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। एंड मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स बनाया हम लोगों ने, उसमें 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। मान लीजिए कि उसमें रो की जो संख्या है वो 2 है, कॉलम की संख्या जो है वो 3 है। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है विद्यार्थियों जिसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग होती है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, क्या हो? एक रो हो, मतलब ये वन क्रॉस एन का होगा, ठीक है ना। एक रो होगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को जैसे a1, a2, --an लिख दिया, ठीक है ना। एक रो है और n कॉलम्स हैं, तो इसको कहते हैं व्हाट? रो मैट्रिक्स। और मान लीजिए कि एक कॉलम है और n रोज हैं, मतलब कि n x1, तो इसको कहते हैं विद्यार्थियों कॉलम मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और एक और चीज है जीरो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0, 0, 0 हों तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है क्या? जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। आई रिपीट, क्या कहा जाता है? जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये कुल मिला के मोटा मोटा मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। बीच में जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे होंगे और जब आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर्स में आएंगे ना, तब वहाँ पर मैं आपको कुछ और अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊँगा, जो स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और उससे कुछ खास तरह के मैट्रिक्स बनते हैं और उनकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स से कुछ थ्योरम्स बनती हैं जो कि बहुत काम आती हैं IIT JAM, CSIR NET, UPSC एंड गेट के एग्जाम में विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ नहीं छूटने देंगे, ठीक है। सो विद्यार्थियों, ये तो हो गया मोटा मोटा मैट्रिक्स और उसके टाइप, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब डिटरमिनेंट के ऊपर आ जाता हूं मैं। व्हाट इज डिटरमिनेंट? सो डिटरमिनेंट बेसिकली इस तरह से लिखे जाने वाला एक स्ट्रक्चर है, और वो जो स्ट्रक्चर होता है ना विद्यार्थियों, उसमें रो और कॉलम्स की संख्या हमेशा बराबर होती है। किसकी? रो और कॉलम्स की संख्या। मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स की संख्या होती है, जबकि डिटरमिनेंट में ऑर्डर होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? ऑर्डर। जैसे ऑर्डर वन का डिटरमिनेंट, ऑर्डर टू का डिटरमिनेंट, ऑर्डर थ्री का डिटरमिनेंट एंड सो ऑन। तो ऑर्डर वन के डिटरमिनेंट का मतलब है कि उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना, जिसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। ऑर्डर टू का जो डिटरमिनेंट होगा उसमें दो रो और दो कॉलम होंगे। ऑर्डर थ्री का जो डिटरमिनेंट होगा उसमें 3 रो और 3 ही कॉलम होंगे। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? इस तरह से, और उसको इस तरह से सीधी लाइन में लिखा जाता है, जबकि मैट्रिक्स को ब्रैकेट वाली दो जो आपके बड़े ब्रैकेट होते हैं, ठीक है ना,
उसके अंदर रखा जाता है, किसको, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, जबकि डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको दो लाइंस के बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। और जो डिटरमिनेंट होता है बच्चों वो बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना उसका भी कुछ खास मीनिंग होता है, वो भी मैं आपको कब बताऊंगा, जब हम लोग डिटरमिनेंट वाले टॉपिक को और डिटेल में स्टडी करेंगे। हालांकि जो हमारे 11th 12th के वीडियोस हैं ना उसमें डिटरमिनेंट के बहुत सारे हम लोगों ने कंसेप्ट, क्वेश्चंस, थ्योरम्स बहुत कुछ स्टडी करा है, यहाँ पर उस चीज़ को स्टडी पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट में कर लेते हैं बस केवल, ठीक है। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है, आई रिपीट, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं उसमें क्या तरीका होता है, पहला जो हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2, 3, 5, -1, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट का इस वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे ये 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक, फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है और फिर इसका इसमें किया जाता है विद्यार्थियों, यानी 3 का 5 में होगा तो दिस इज 15, सो योर आंसर इज -2 -15 इज -17। तो ये कुछ इस तरह से डिटरमिनेंट सॉल्व होता है ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है विद्यार्थियों, ये 5 हो गया मान लीजिए, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये -1 -2 और ये 6 हो गया, मान लीजिए ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए किसी एक रो या कॉलम को क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है, और हम लोग सामान्यतः इस पहले वाली रो के रिस्पेक्ट में ही इसको सॉल्व करते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे ये 5, ठीक, अब इस 5 के नीचे वाले सारे एलिमेंट और इसके इधर वाले सारे एलिमेंट छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इन 4 एलिमेंट्स को लिख देना है किसके अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर, 2, -2, 7 और 6, ठीक, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है और इस एलिमेंट को लेना है, तो ये एलिमेंट आएगा -6। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्यों आएगा -6, तो बहुत ही सिंपल सी बात है विद्यार्थियों, एक्चुअल में होता यह है कि डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स की पोजीशंस होती हैं, जैसे मैट्रिक्स में एलिमेंट की पोजीशन होती है ना A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, लाइक दैट, वैसे इसमें होती हैं। तो जो भी एलिमेंट क्या कहते हैं, जिस एलिमेंट की जो पोजीशन है ना उसके जो सफिक्स होते हैं उनका सम अगर ऑड आता है तो वो वैल्यू या वो जो पोजीशन होती है सामान्यतः नेगेटिव वैल्यू के साथ में जाती है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में छुपा हुआ है, जो कि 11th 12th में हमने पढ़ा था, साथ ही डिटरमिनेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट में भी छुपा हुआ है कि क्यों होता है ऐसा, क्लियर। सो यहां पर आप लोग इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जब भी ओपन करेंगे ना तो माइनस साइन के साथ ही ओपन करेंगे। अब इस 6 के नीचे वाली कॉलम और इस पूरी पहली वाली रो को छोड़ दीजिए, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इन 4 एलिमेंट को एक डिटरमिनेंट में लिख दीजिए, क्या, 0, -1, 7 एंड 6, ये हमने लिख दिया। एंड फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे क्या, +1, तो ये +1 लिख दिया, एंड देन इसके बाद में इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, तो 0, 2, -1, -2, तो दिस इज 0, 2, -1, -2, क्लियर है। तो ये कुल मिला के हमारे पास में इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों, बहुत ही आसान सी चीज़ है इसको सॉल्व करना भी। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये 5 को ठीक है यहाँ पे एज इट इज रहने दो। अब इसको जैसे आपने ऊपर सॉल्व करा था ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, यानी कि ये 12, माइनस का चिन्ह लगाओ, 7, 2 जा 14, और ये माइनस का है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 14, ये माइनस का 6, 0, 0 का 6 में किया, माइनस का साइन लगा के 7 बन जाए 7, माइनस का 7 आएगा, ये प्लस बन जाएगा। फिर इसके बाद में प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पे इसका 0 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे विद्यार्थियों, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0 × -2, 0, और 2 का इस -1 में करोगे तो ये हो जाएगा +2। सो अल्टीमेटली तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, 14 × 12, 14 + 12, दिस इज 26, तो 26 × 5, तो 26 × 5 हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा आपका 25 छक्के हो जाएगा कितना, और 5 है ना, सो 26 × 5 हो जाएगा 120, 130, एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है ना। तो ये 130, ये आपका 7, -6 जा -42, -sin है और ये प्लस का 2, ठीक। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 130 - 42 एंड +2, तो ये माइनस का 40 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये 90 आ जाएगा,
क्लियर। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो ये आती है। ध्यान देना कि डिटरमिनेंट कभी भी मैट्रिक्स की तरह क्या होता है, प्लस या माइनस नहीं होता है। हालांकि कुछ केसेस में कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं जो दो डिटरमिनेंट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ रिजल्ट्स आपको देती हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालेंगे, और वो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है ना कुछ एक खास चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, और उसका रिलेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी से होता है। वो भी हम आगे चल के आपको समझाएंगे। अब आप कहोगे कि सर हर चीज़ तो आगे चल के समझाओगे, क्या करें बेटा, ये जो टॉपिक है बेसिकली अपन लोगों ने मैट्रिक्स थ्योरी का उठाया है, तो मैट्रिक्स थ्योरी में हम लोग वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे जो 11th 12th में हम लोग डिस्कस करके आ गए हैं। हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे कि जो हम लोगों को रैंक वाला टॉपिक पढ़ना है उसके लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। तो हम लोगों को मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप, रो और कॉलम क्या होते हैं, ये सब आना चाहिए। अब डिटरमिनेंट को समझ लिया, डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 का कैसे सॉल्व होता है ये भी आपने समझ लिया, इसी तरह से ऑर्डर 4 का भी होता है। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद में आता है मैट्रिक्स का एडिशन, है ना, एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। तो ये कैसे करते हैं विद्यार्थियों, तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, ओके। मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल बराबर रहे। ध्यान देना, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होगा तभी वो मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 2, 3, 4, 6, -1, -2, 0 और 3। तो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होते हैं ना वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही ऐड होता है, यानी 1-1 पोजीशन वाला 1-1 में ऐड होगा, 2-2 पोजीशन वाला 2-2 में होगा, सॉरी 1-2 पोजीशन वाला 1-2 में होगा, 2-1 वाला 2-1 में होगा, 3-3 2-2 वाला 2-2 में होगा। तो इट मींस दैट 2 को -1 में ऐड करोगे, दिस इज 2 प्लस -1, फिर 3 प्लस 2, 4 प्लस 0 एंड 6 प्लस 3, ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से आएंगी। सो एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया विद्यार्थियों, और ये 9 आ गया। तो इस तरह से दो मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार अगर हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़े, तो यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा मल्टीप्लाई तो नहीं करके देखेंगे मैट्रिक्स का, लेकिन उसके लिए जो शर्तें होती हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड स्कूल मैथमेटिक्स के 12th क्लास के चैप्टर में मैट्रिक्स टॉपिक का पूरा चैप्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अलग से हमने बनाया है, मतलब एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो, आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो, ठीक है ना। नाउ मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ये दिमाग में रिवाइज हो जाना चाहिए सारी चीजें, ठीक है, कर करके देख लेना एक एक क्वेश्चन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि पहले मैट्रिक्स में, मान लो ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो पहले मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स होते हैं, आई रिपीट, जितने भी कॉलम्स होते हैं उतने ही रोज, आई रिपीट, उतने ही रोज किस में होना चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स में होना चाहिए। आई रिपीट, पहले मैट्रिक्स जो भी आप पहले लिख रहे हैं उसमें रोज की, कॉलम्स की जो संख्या है वो दूसरे मैट्रिक्स, जो भी दूसरे नंबर पे लिखना चाहते हो, उसके रोज के बराबर होनी चाहिए। माफ करें। और इनका जब रिजल्ट आएगा ना विद्यार्थियों, तो उस रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना, वो पता क्या होगा, वो होगा m क्रॉस p। वो कितना होगा, वो होगा m क्रॉस p, मतलब उसमें m रोज होंगी और p कॉलम्स होंगे। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाली जो शर्त है ना, ये बहुत ही ज़रूरी होती है, इसके बिना मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव नहीं है। और इसी शर्त के कारण अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि ए बी इक्वल हो बी ए के, ये हमेशा आवश्यक नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू इन जनरल। क्लियर है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो मैट्रिक्स थ्योरी के मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी वो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस किया। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है एंड सो, लेकिन उन सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर
नहीं कर सकते। इसलिए आने वाले और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग हमारे जो ऑलरेडी ऐप पे या यूट्यूब पर वीडियो हैं उनकी मदद से, ठीक है। सो आई होप कि जो आपके दिमाग पे एक धूल जमी थी उनको मैंने यहाँ पर हटाने का जो प्रयास किया है वो लगभग सफल रहा होगा। इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम अपने आने वाली वीडियो लेक्चर में आपसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके प्रॉब्लम्स, उसको निकालने के तरीके, इनके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। और ये वीडियो लेक्चर इम्पॉर्टेंट है बीटेक के बच्चों के लिए, बीएससी के बच्चों के लिए, आईआईटी जेएम, सीएसआईआर नेट एंड जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के विद्यार्थियों के लिए। हम आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं आपके लिए। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, देश के लिए और अपने माता पिता के लिए हमेशा काम करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।